आज हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एटलीस्ट भारतीय कंपनियां इतनी ज्यादा कैपेबल हो चुकी हैं कि बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर कर पाए। इससे जिस भी इंटरनेशनल कंपनी को भारत के अंदर सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, वो दो फैक्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट इजिली कर देगी। यहाँ पर कंपनियां किस तरीके से काम करने वाली हैं, आगे इस वीडियो में बात की जाएगी। उससे पहले बात कर लेते हैं मेन खबर की, जहाँ काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है फ्रांस की कंपनी थॉमसन की तरफ से। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और कंपनी भारत के अंदर करीबन 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक नई वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने जा रही है। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन लगने वाली ये यूनिट एक थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से की जाएगी, यानी भारतीय प्लेयर सुपर प्लास्टोनिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से की जाएगी। ये वो भारतीय कंपनी है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर कर पाते हैं, और इससे इंटरनेशनल ब्रांड इजिली भारत के अंदर अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, उनके सर्विसेज देना एंड ऑपरेशनल सभी चीजों को इजिली कर पाते हैं। और यही वो तरीका है जिससे कंपनियां इजिली प्रेडिक्ट कर लेती हैं कि भारत के अंदर उनका मार्केट किस तरीके से ग्रो होगा, और वो एक फैक्ट्री की बजाय दो फैक्ट्रीज इजिली लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आपको बता दें, इसी तरीके से भारतीय कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी काम करती है, वो अलग अलग प्लेयर्स के लिए पीसीबीज एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम भारत में करती है। आपको बता दें, सुपर प्लास्टोनिक की शुरुआत भारत के अंदर 1990 में की गई थी। तब से लेकर के कंपनी जितनी भी कंपनीज के पास लाइसेंस है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। आज कंपनी कोडक, थॉमसन और भी कई टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर के काम करती है। कंपनी के पास भारत के अंदर करीबन 400 मल्टी ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर्स नेटवर्क है। इसके अलावा 350 सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड को भारत के अंदर इजिली बढ़ने का मौका देते हैं। और स्पेशली बात की जाए भारत के इस वॉशिंग मशीन मार्केट के बारे में, तो 2019 के आसपास ये मार्केट 1267 मिलियन यूएस डॉलर का था, जो आज बढ़कर के करीबन 1545 मिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, और 2026 तक ये 1698 यानी करीबन 1700 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। और भारत की इसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सुपर प्लास्टोनिक्स ने इस नई डील के साथ हाथ मिला लिया है। कंपनी के मुताबिक 25 नए मॉडल्स को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। इसी साल 3 लाख यूनिट के साथ में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और कुछ ही सालों में और कुछ ही वक्त में ये प्रोडक्शन 4 लाख पर एनएम तक पहुंच जाएगा। बनने वाली इस नई यूनिट में फुली ऑटोमेटिक, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक और हर तरीके की वॉशिंग मशीन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें, भारत न सिर्फ डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए वॉशिंग मशीन को बना रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करता आया है। एक साल पहले ही हमने रशिया को वार के दौरान वॉशिंग मशीन एक्सपोर्ट करी है। इसके अलावा हम स्मार्ट टीवी को भी इसी प्लेयर की मदद से देश के अंदर मेड इन इंडिया तैयार करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। कंपनी स्मार्ट टीवी, एयर कूलर से लेकर के और भी कई होम अप्लायंसेस भारत के अंदर लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर कंपनी का ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो इजिली भारत के अंदर वो अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने में बिल्कुल भी नहीं चूकने वाले हैं। और वीडियो को खत्म करते हुए आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, भारत के अंदर जितनी भी ऐसी थर्ड कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज को लाकर के भारत के अंदर बढ़ने का मौका देती हैं, ऐसे में गवर्नमेंट को उन कंपनीज को और भी ज्यादा इंसेंटिव देने चाहिए? यस और नो में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।